वेलकम गाइस टू द वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मीम्स जो कि बहुत ज्यादा फनी है एंड सही बताओ तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, जिसे देखने के बाद आप लिटरली हंसोगे क्योंकि मीम्स इतने ज्यादा फनी है। सो यार मीम रिव्यू वीडियो होने वाली है माइनक्राफ्ट की। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड उसके पहले गाइस हम लोग 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सो अगर आप चैनल पे नए रहोगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, 1.3 मिलियन करना है आज, कुछ भी करके करना है। सो यार सब्सक्राइब कर देना। ओके अनहेटेड माइनक्राफ्ट मॉब्स। ओके मतलब यहाँ पे एनुअल मीटिंग चलने वाली है ये दरबार के अंदर, जहाँ पे माइनक्राफ्ट के ऐसे मॉब जिनको बिल्कुल भी हेट नहीं किया जाता है। वैसे ऐसा कौन सा मॉब है भाई जो हमें हेट ना करता हो? ऑलमोस्ट सब के सब मॉब्स टेरेबल होते हैं। लेट्स सी ऐसा कौन सा मॉब है जो हमें हेट गॉट इट पफरफिश। एग्जैक्टली पफरफिश एक लौती मॉब होगी शायद जो कि हमें तंग नहीं करती है, वरना भाई बाकी जितने मॉब्स होते हैं सब मीन 2012 फाइंडिंग आउट दैट यू कैन टेम ऑकलॉट्स। ओके मीन 2021 सेइंग इट्स नॉट इनफ दैट दे कैनॉट बी टेम्ड एनीमोर बट दे आर लिस्टेड एज मॉन्स्टर्स इन द गेम फाइल्स। व्हाट, क्या ये सच है कि हम उनको टेम नहीं कर सकते? वेल मैं ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ कोई ऑकलॉट जो भी प्रोनाउंसिएशन है कि ऐसा मॉब नहीं मॉन्स्टर, मॉब नहीं गाइस मॉन्स्टर एग्जिस्ट कर सकता है। वाह भाई गेम में मॉन्स्टर भी है, फिर शायद एंडर ड्रैगन तो हमारा मॉब है, वो तो मॉन्स्टर ही नहीं वो तो मॉब है। माइनक्राफ्ट लॉजिक है, कुछ भी हो सकता है दोस्त यहाँ पे। माइनक्राफ्ट इज माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट रिल्म्स वो एड्रेस फ्री सर्वर, दिस इज वर्ड, दिस बात तो सही है भाई। माइनक्राफ्ट लो भाई सर्वर देता है, नहीं बदलों को फर्क नहीं है, लोग एड्रेस की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इवन तो हमारा फैड एसएमपी भी एड्रेस पर है। फाइनली आई एम एट पीस, माइनक्राफ्ट मीम्स। ओके ये दिस वॉज नॉट अप्रूव्ड और क्रिएटेड बाय द ओरिजिनल क्रिएटर सच एज माई सेल्फ एंड दे मेकिंग मनी ऑफ अ कॉपी कंट्रीब्यूटर परमिशन। ओह ये मुझे बोल रहा है, ये पूरा मीम मेरे पे क्या पूरे यूट्यूबर्स में? भाई एडिटर कट कर देना प्लीज इस जगह को, चल। बट कुछ भी बोलो, माइनक्राफ्ट के जो मीम्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा फनी होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। मोजैंग वी विल नेवर Add sharks to Minecraft. Why? Because we want all hostile mobs to be fantastic creatures. Oh, wait. क्या था ये? बहुत epic था। एक मिनट कहाँ गया यार? देखो मोजैंग का कहना है कि वो sharks को कभी भी Minecraft में add नहीं करे। वैसे add भी ना करे तो ही ज़्यादा better होगा, क्योंकि already बहुत सारे mobs तो पहले ही सर खाते रहते हैं। So, पानी में अगर shark आ गई तो जिंदगी हराम हो जाएगी। To be a fantasy creature, मतलब fantasy creature ऐसे क्रिएचर्स जो कि इमेजिनरी हो, मतलब देखो भी स्केलेटन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्या? ऐसे मॉब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट पफरफिश, लेकिन पफरफिश तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है ना भाई। अगर माइनक्राफ्ट का कहना है कि वो फैंटेसी क्रिएचर्स ही डालना चाहते हैं गेम में, सो इस जनाब को क्यों डाला भाई गेम में? ऐसे भी निकाल दो। इफ आई डाई डोंट यू क्राई जस्ट लुक एट द स्काई एंड से सस। कर्स ऑफ बाइंडिंग, कर्स ऑफ बाइंडिंग इन हार्डकोर। ओ भाई 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 भाई, सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर, बात तो सही है भाई, एकदम परफेक्ट बात बोले। ये मीम को मैं हार्ट देना चाहूंगा, मतलब सीरियसली भाई मल्टीप्लेयर हमारी एसएमपी में ही देख लो, आते कुचल कर चले जाते भाई, उनको फर्क ही नहीं पड़ता दुनियादारी से, बस आएंगे कुचल के चले जाएंगे, अपने फुटस्टेप छोड़ के जाएंगे। और बट सिंगल प्लेयर में भाई हम जैसे लोग केयर करेंगे, आके सब लगाएंगे, मेहनत करेंगे। बड़े मल्टीप्लेयर में कभी ऐसी फार्मिंग मत करना, भूल के भी नहीं, वरना आपके फ्रेंड्स लोग तबाह कर देंगे उसे पावर डाल डाल के। बात तो सही है। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो फॉलो करो इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो। एनिमल्स व्हेन यू आर इनिशियली सर्चिंग फॉर देम, animals when you have been already your inventory is almost full and hunger bar is full. सहलेंगे थोड़ा सा। The end city that my friends find. Oh, कितना बड़ा end city है। Wow. The end city that I find. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कितना छोटा है, इतना छोटा मतलब यहाँ पे तो एलिट्रा ढंग से ना मिले। यार किसी किसी का ना माइनक्राफ्ट में सही में बहुत ज्यादा फूटी किस्मत होती है, बहुत, जैसे कि मेरा और एड्रॉक को देख लो। How it feels to play Minecraft again after 8 years of not playing it? कुछ नहीं समझता। लगाएगा लगाई। ये मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को अभी भी याद है मैंने माइनक्राफ्ट 2000
13 में एक बार डाउनलोड किया था, जिस टाइम पे मेरे दिमाग चला ही नहीं भाई, दिमाग की सब ऊपर से, कुछ समझ ही नहीं रहा था, और नहीं समझ रहा था ठीक है, बट कुछ टाइम बाद आया 4-5 साल बाद फिर से खेलने, तो भूल जाओ, मेरे को तो समझा ही नहीं, मैं तो गिव अप करने वाला था। नाइन ईयर ओल्ड मी डाउनलोडिंग माइनक्राफ्ट फॉर फ्री बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट, 18 ईयर ओल्ड मी स्टिल प्लेइंग इट बिकॉज आई स्टिल कांट अफोर्ड इट। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं हो गया कि मैं पहले भी गरीब था और 10 साल बाद भी गरीब हूँ, कुछ नहीं है। You think that it will be a motivational video? But yeah, ये motivation video नहीं था। Me goes to Y11 to find diamonds in 1.18. एक मिनट, पहली बात, Y11 पे diamonds नहीं मिलते हैं। Okay. Let's see क्या होता है अब। That's where you were wrong, Kiro. I was knowing. New world in 1.18 be like me with any other ore or resources in the game. 12 stack, 5 stack, 1 stack, 18 stack. Me with coal. हाँ, बात तो सही कही है। कोल की कमती हो रही है भाई, तुम मानो चाहे मत मानो, बट 1.18.18 में पता नहीं उन्होंने क्या किया, कोल को इनका मकसद क्या था माइनक्राफ्ट वालों को पता नहीं, बट कोल भाई इतना ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है ना, कोल सही में नहीं मिलता है। और डायमंड तो ऐसे चल, पहले भी नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिलते हैं। यू प्ले बेडरॉक बिकॉज यू एंजॉय द वर्जन? या आई प्ले बेडरॉक बिकॉज आई डोंट हैव अ पीसी। तो बहुत सारे बंदे बेडरॉक में खेलते हैं कि नहीं, क्योंकि पीसी नहीं है तो करना पड़ता है भाई, बेडरॉक ही ऑप्शन है। सो यू लाइक माइनक्राफ्ट? या ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा पसंद है। नेम एवरी विलेजर, टफ है, टफ है, ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। लाइब्रेरियन, फार्मर, दो विलेजर के नाम ही पता है भाई, लाइब्रेरियन और वाह दूसरा भी मैं भूल गया। Me looking down on my cow farm after giving all of them wheat. Fuck. Player after hitting villager, iron golem, 3-block tower. इस विलेजर का दड़ा इधर तो क्या ही फर्क पड़ता है, अगर तुमने 3 ब्लॉक का टावर बना लिया, बस आयरन का मुट्ठी में अपन है, उसको ऐसे ऐसे मारेंगे, ऐसे 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 चुटकियों में। भाई देखो वो आंटी पीछे बास्केटबॉल क्यों खेल रही है भाई, वो बंदे को देखो, वो शख्स को देखो, उसका बड़ा ध्यान है। My friend coming to check my Minecraft house in क्रिएटिव। एक बात बोलूं गाइस, आप लोग ऑनेस्टली बताना, आप लोग ने कभी क्रिएटिव किया है कि नहीं अपने वर्ल्ड को, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना अगर आप लोग ने किया रहेगा, बिकॉज वो कुछ आता है कभी कभार, यू नो। व्हेन आई ब्रीड 2 chickens बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन एग आई गेट अनदर चिकन, ये क्या हो गया, अनहोनी चीज हो गई। लेकिन कुछ जो उसका रिएक्शन है भी, ये क्या हो गया भाई, मैं तो सोचा कुछ और था, ये आ क्या गया, व्हाट हैपेंड? ओह सो यू लाइक माइनक्राफ्ट? या ऑब्वियसली लाइक माइनक्राफ्ट, अभी क्वेश्चन पूछेगा गारंटी। नेम ऑल 31 मॉब्स मुझसे, अब बता रहा हूं। स्केलेटन, क्रीपर, क्रीपर, स्केलेटन, क्रीपर, स्केलेटन, क्रीपर, स्केलेटन, क्रीपर, क्रीपर, स्केलेटन, जॉम्बी, विलेजर, विच, स्पाइडर, स्लाइम, पिग, पिगलिन, घास, एंडरमैन, एंडर ड्रैगन, वीदर एंड हनी बी, या जितने मॉब मैंने बता दिया उतने बता दिया। बाय द वे तुम लोग ये देख लो, मैं देख के बता रहा हूँ तुमको। You don't play Minecraft because you don't like the game. No, I don't play Minecraft because my laptop fucking sucks. I hope you, अगर इसमें तुम RTX लगा कर, I mean वो graphics रहते हैं ना एकदम जैसे cool लगते हैं हमारे Minecraft, वो लगा कर अगर तुम खेलने जाओगे ना भाई। Friend kills my Minecraft dog by him the next day. Where did my base go? Me, it were the creeper and the skeleton. Guys, तुम लोग believe नहीं करोगे, ये literally मुझसे relatable है। मैंने भी हाल ही में हमारे Paradox Sunday में मेरे एड्रॉक जो है उसका कुत्ते को मार डाला था, एंड मैंने सेम बहाना दिया था कि भाई क्रीपर ने एंड स्केलेटन ने फोड़ दिया, मैंने फोड़ा नहीं, एक्चुअली मारा मैंने ही था क्योंकि उसका कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, दैट्स व्हाई। बट या हैपेंस, आप लोग यही बोलते रहोगे, हाँ क्रीपर ने मार दिया रहेगा स्केलेटन, मैं मार सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो मार ही नहीं सकता यार, कुछ भी बोल रहा है तू। जी there's a heaven in Minecraft, I need to try this out right now. या होता है हमारे साथ कभी कभार, हम कुछ वीडियो देख लेते हैं जिसके अंदर भाई उन लोग ऐसे चीजें बताते हैं कि जो वर्क करेगी, बट
असलियत में तो तुमको ये होता है, वर्क ही नहीं करती ये जनाब। ग्लोस्टोन का पोर्टल बनाने जा रहे थे भाई, नहीं बनता भाई भाई, कुत्ते तो रो मत, कुत्ते तो रो मत, मैं तेरे साथ हूं कुत्ते, मैं तेरे साथ हूं कुत्ते। विच न्यू मॉब डू यू ऑल वॉन्ट? अ फ्लाइंग थिंग दैट पिक अप ड्रॉप्ड आइटम्स, ओके, अ ब्रश दैट रिप्लेस F3 लाइट इन्फो, अ क्रिएचर दैट कैन एक्चुअली हेल्प विद रेडस्टोन। ऑब्वियसली बाहर फेंका गया भाई, रेडस्टोन की बात है खुद करो, लेकिन रेडस्टोन में दिमाग खराब तो जरूर होता है भाई। वेल्टन नाइस हाउस, सुनहरा घर, सॉर्टेड ऑल योर स्टफ्स इन चेस्ट, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा काम किया तुमने, पूरे सामान को चेस्ट में ला के रख दिया। बट एक चीज की गलती कर दी तुमने, फॉरगेट टू प्लेस अ डोर, और उसके बाद जो होना था वो होगा। सो याद रहे, अगली बार जब भी कुछ कारनामा करोगे तो डोर जरूर लगाना, वरना क्रीपर साहब घर में आएंगे। और अरे गाइस, होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, एंड यस सब्सक्राइब, 1.3 मिलियन बहुत ज्यादा क्लोज है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एंड मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।